खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम आपको लगातार सोना नगर परिषद के सरकारी स्कूलों की तस्वीर दिखा रहे हैं। इन स्कूलों में सुधार की जो दिशा दिख रही है, जो स्थिति दिखाई दे रही है, वो जो प्राइवेट स्कूल है उनको फेल करते हुए दिखाई दे रही है। इसका जो श्रेय है वो यहाँ की चेयरपर्सन विभा खटाना जी को जाता है। तो हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या जो इसके पीछे जो मकसद है, क्या उद्देश्य है इनका, और जो स्थिति में जो सुधार आया स्कूलों में उनके बारे में क्या कहना उनका। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम हम लगातार सरकारी स्कूलों का जायजा ले रहे हैं, तो वहां पे जाके जो स्थिति हमें दिख रही है वो बहुत ही मनोहर, बहुत ही सुखद है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, जो ये जो आज सरकारी स्कूलों के जो हालात बदले हैं, क्या कहना है इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप जा रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है कि लोगों को अवगत कराया जाए कि स्कूलों में शिक्षक किस तरह से बच्चे ग्रहण कर रहे हैं। जब हम पहले सरकारी स्कूलों में जाते थे, जैसे कि मैं कमेटी के पास में ही मेरा एक गर्ल्स स्कूल है जिसमें मैं भी पढ़ी हुई हूँ, तो पहले हम देखते थे कि वहाँ कुछ ऐसी फैकल्टी नहीं होती थी जो कि प्राइवेट स्कूलों में उपलब्ध कराई जाती है। अब एक जो मैम है सुनील कुमारी प्रिंसिपल, जो भी कुछ होता है या मैं भी जो कर रही हूँ वो प्रिंसिपल के सहयोग से भी बहुत होता है। अगर प्रिंसिपल कंसर्न नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा शिक्षा का स्तर उठाने का मेरा मेन मकसद ये है कि बच्चों को अच्छी फैकल्टी के साथ शिक्षा हो, उनको सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएं, जैसे पंखे वगैरह, बिजली वगैरह की सुविधाएं। अगर बच्चे अच्छी सुविधाओं में पढ़ेंगे तो उनका पढ़ाई की तरफ रुझान अच्छा और बेहतर हो पाएगा। तो देश की तरक्की के लिए भी, क्योंकि बच्चे ही देश की तरक्की का एक मेन आईना होते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए ऐसे ऐसे चीज़ें उपलब्ध कराई जाएं जो आगे उनको, जो उनका रास्ता है उनको रोशनी की ओर अग्रसर करे। तो मेरी यही कोशिश रहती है, मैं जिस भी स्कूल में जाती हूँ बच्चों के यूनिफॉर्म से लेकर और उनके क्लास में उनकी परसेंटेज को लेकर, मेरिट्स या डीमेरिट्स, सब जो भी चीज़ वहाँ नहीं है आपका, उनकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। मैं सभी से कहूंगी जाना चाहिए कि आप, ये नहीं है कि आप एक स्कूल में सिर्फ भाषण देने के लिए जाते हैं, आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि आप जिस स्कूल में जा रहे हैं वहाँ क्या सुविधाएं नहीं है। मैम हम जैसे स्कूलों में जाते हैं, वहाँ बात करते हैं, शिक्षकों से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, तो उनका कहना है ये जो भी जो आज स्कूल की जो दशा बदली है ये विभा खटाना मैम की वजह से है। जो भी हमारी जो समस्याएं होती है मैम उनको सुनती हैं और उसको पूरा 100% देती है अपना, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगता है आपको? देखिए ये तो बच्चों का बड़प्पन है और मैडम का भी बहुत बहुत, जिन मैडम से मैं मिली हूँ, एक तो वो बहुत ही सहयोगी हैं, उनका जो एक स्कूल का एटमोसफियर है वो बहुत अच्छा है। जिस भी स्कूल में मैं गई हूँ उनका कंसर्न बहुत है अपनी पढ़ाई को लेके, और वे खुद भी रिजल्ट को अच्छा बेहतर बनाना चाहते हैं। समस्याओं का तो ये है कि जब वो मेरे से डिस्कस करते हैं, क्योंकि भाई कभी ना कभी सब एक स्टूडेंट रहे होते हैं, तो जो एक मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो सभी को पता होती हैं, बेसिक एमिनिटीज की कहाँ क्या जरूरत है, तो वो अच्छा लगता है अगर वो डिस्कस कर। मेरी कोशिश तो यही रहती है कि जो वो कहें मैं उन्हें अच्छा सहयोग दूं, और जो मेरे बस में है अपनी कमेटी के उससे मैं उनका पूरा कर सकूं। शिक्षा पे इतना जोर जो आप दे रहे हैं, इसके पीछे मतलब क्या, आपका क्या उद्देश्य है? शिक्षा जो सरकारी स्कूलों में हमेशा ये शिकायत रहती है कि जो यहाँ पे जो स्थिति है प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले बहुत इतनी अच्छी नहीं होती है, तो क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? एक तो लोगों की सोच बहुत ही खराब हो चुकी है, क्योंकि वो ये लोग ये सोचते हैं कि सरकारी स्कूल है, जबकि अगर आप समझें तो अच्छे हाईली एजुकेटेड बीएड और पीएचडी जैसे टीचर्स यहाँ सरकार प्रोवाइड करती है, लेकिन वो अपने सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि लोगों की मानसिकता बिल्कुल बदल चुकी है। लोगों को चाहिए, लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजें, क्योंकि वहाँ टीचर्स हैं, एजुकेटेड हैं, और आपके बच्चे को अच्छा मिल सकता है। और लोगों को भी थोड़ा कंसर्न होना पड़ेगा, एक टीचर के करने से कुछ नहीं होता। तो मैं तो यही कहूँगी हर टीचर से या स्कूल वालों से भी, मैं यही कहूँगी कि आप पेरेंट्स के साथ एक रिश्ता बना के चलिए, आप बच्चे की कमियाँ, जो उसकी मेरिट्स हैं या उसकी डीमेरिट्स हैं, उनको पेरेंट्स से आप खुलासा कीजिए कि मैम आपके बच्चे में ये कमी है, तो वो खूब सहयोग करते हैं पेरेंट्स भी और टीचर्स भी। मैम आगे अब आपके मतलब क्या लेके चल रहे हैं आप, टारगेट क्या मुद्दे हैं स्कूलों के, और क्या क्या ऐसी समस्याएं जिसको आपको लगता है हाँ ये इन पे और थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है?
देखिए, स्कूलों की जो मेन है वो बेसिक एमिनिटीज हैं, जैसे कि पानी वगैरह का ना होना, शौचालय वो नहीं होना। लेकिन जैसे कि हमारी बीजेपी की सरकार भी है और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस बात पे बहुत ही जोर दिया है कि आपको योग में होना चाहिए, बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान होना चाहिए और सफाई के प्रति जागरूक होना चाहिए। और जो मेन चीज है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, तो अगर हमारे देश के बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे या उनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेंगे तो देश का भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता। तो मेरी क्या सभी की ये कोशिश रहती है कि अपना देश का बच्चा अच्छा भविष्य दे। और वो भविष्य कब देगा? जब हमारे देश में अच्छी स्वास्थ्य और सफाई से प्राथमिकता दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम का। तो ये थी हमारे साथ नगर परिषद चेयरपर्सन श्रीमती विभा खटाना जी, जिनका कहना है कि उनका जो मेन मकसद है वो शिक्षा पे जोर देना है ताकि बच्चे पढ़ें, और बच्चे पढ़ेंगे तभी हमारा जो भविष्य है वो बेहतर होगा। जाहिर सी बात है, अगर आपके क्षेत्र में ऐसी सशक्त नारी होंगी तो आपकी जो स्कूल है, आप जिसकी जो दशा है वो बदलेगी और बच्चों का भविष्य भी बेहतर होगा। मैं संध्या द्विवेदी, K9 मीडिया के लिए सोना, गुरुग्राम।